गुड मॉर्निंग क्लास, दिस क्लास इज MSc क्लास ऑफ क्लास थर्ड, सो प्लीज टेक आउट योर मॉरल साइंस बुक एंड नाउ ओपन योर नोटबुक। इज नंबर 11। टुडे वी विल बी स्टडी रिविजन ऑफ चैप्टर 3। आज हम चैप्टर 3 का रिविजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का रिविजन। मैंने आप लोगों को इसके रीडिंग एक्सप्लेनेशन पहले जब क्लास लिया था तो कराया था। आज हमने इसको शॉर्ट में इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। आपके स्टोरी का नाम क्या है, जो स्टोरी है उसका मीन्स है जो संतोष होता है, मतलब जो आप कि संतोष सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो स्टोरी में क्या थे, रामलाल एंड प्रेम प्रकाश थे। ठीक है, रामलाल और प्रेम प्रकाश थे जो क्या थे, पड़ोसी थे। रामलाल और प्रेम प्रकाश पड़ोसी थे। रामलाल जो था इसमें का वो बहुत ही गरीब किसान था। जो रामलाल था वो क्या था, गरीब किसान था। और प्रेम प्रकाश क्या थे, जमींदार थे, लैंड लॉर्ड थे। प्रेम प्रकाश क्या थे, जमींदार थे, लैंड लॉर्ड मीन्स होता है जमींदार। रामलाल जो था वो बहुत ही आराम से और खुशी से रहता था। वो गरीब था पर बहुत ही आराम से और खुशी से रहता था। वो कभी भी रात में अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने की कोशिश नहीं करता है। ना उसको डर रहता है कि हमें बंद करना है, ना उसको टेंशन रहता है इस बात की कि चलो रात में सोना है तो दरवाज़ा बंद करते हैं, खिड़कियाँ बंद करते हैं, ऐसा वो कभी करता नहीं है। ठीक है, और उसे अच्छी गहरी नींद भी आ जाती थी। वो ना दरवाज़ा बंद करता था, ना खिड़कियाँ बंद करता था, ना इसका टेंशन लेता था कि बंद है कि खुला है। और उसके बावजूद भी उसे क्या होता था कि उसको बहुत ही अच्छी नींद आती थी, मीन्स वो गहरी नींद उसे आती थी। हालांकि जबकि क्या था, उसके पास पैसे नहीं थे। वो क्या था, गरीब किसान था तो उसके पास पैसे कहाँ से होंगे, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी वो बहुत ही पीसफुल, मतलब बहुत ही शांत रहता है। ठीक है, फिर जो प्रेम प्रकाश रहता है, प्रेम प्रकाश बहुत ही टेंशन में रहता है, हमेशा ही टेंशन लिए रहता है, हमेशा ही परेशान रहता है। वो रात में अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने के लिए बहुत ही, जैसे ही रात होता है कितनी भी नींद आती रहे या कुछ भी होता रहे, उसको क्या करता, सबसे पहले टेंशन क्या रहता है कि मेरे घर के दरवाजे खिड़कियाँ उसे बंद करनी है। उसके लिए बहुत ही परेशान और बहुत ही एक्साइटेड रहता है कि हमको जल्दी रात हो गया, अब हमको बंद करना है उसको दरवाजे खिड़कियाँ। और उसके बावजूद ही खिड़की बंद करता, दरवाज़ा बंद करता था, मतलब विंडो डोर बंद करके क्लोज करके सोता था, फिर भी उसको अच्छी नींद नहीं आती थी। क्या होता था, उसको फिर भी अच्छी नींद नहीं आती थी, वो ठीक से सो नहीं पाता था, नींद के वो ठीक से सो ही नहीं पाता था। और उसको हमेशा इस बात का टेंशन रहता था, हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि कहीं उसकी जो उसके पास क्या था, तो लैंडलॉर्ड रहता तो उसके पास पैसे होंगे, तो सोचता वही सोचता हमेशा उसको इस बात का टेंशन रहता है कहीं कोई उसकी तिजोरी तोड़कर उसके पैसे ना चुरा ले, मतलब जो उसका लॉकर रहता है उसको तोड़ करके, उसका सेफ जो रहता है कि कहीं उसको तोड़ करके कोई उसके पैसे चुरा ना ले। तो उसे क्या होता था कि जो रामलाल रहता था, जो बहुत ही पीसफुल बहुत शांत से रहता, उससे उसको क्या होती थी, ईर्ष्या होती थी कि ये आराम से, मतलब उसको इसी बात की कि वो टेंशन नहीं लेता है, आराम से सोता है, तो इस बात से क्या होता है, उसको उस शांतिपूर्ण राम बहुत ही पीसफुल रहता है, तो इसलिए उसको रामलाल से ईर्ष्या होती है। एक दिन प्रेम प्रकाश ने रामलाल को फ़ोन किया और उसे बुलाया। और जो उसका जो तिजोरी रहता है, जो बॉक्स रहता है, वो क्या करता है, डिब्बा देने को कहा कि देखो मेरे दोस्त, बोलता है कि देखो मेरे दोस्त मेरे पास बहुत धन है, मैं तुम्हें गरीबी में देखता हूँ, मैं तुम्हें गरीब हो तुम, इसलिए ये पैसे ले लो और अच्छे से रहो, मतलब तुम गरीब हो इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, ये तुम पैसे लो और अच्छे से रहो। रामलाल बहुत खुश हुआ। अब कोई भी गरीब रहेगा उसको पैसा मिलेगा तो खुशी हो जाएगा, तो बहुत रामलाल बहुत गरीब, तो जो रामलाल गरीब रहता है तो उसको बहुत क्या होता है, वो रामलाल बहुत ही खुश हुआ। वो दिन भर बहुत ही खुशी से रहा, तो बहुत खुश रहता है, बहुत ही हैप्पी रहता है। पर जब रात आई तो रामलाल
रोज की तरह सोने गया। अब रात हुई तो जैसे डेली सोने आता था वैसे ही डेली सोने चला गया, लेकिन आज वह सो नहीं सका। डेली तो वो दरवाज़ा खिड़कियाँ भी नहीं बंद करता था और सोने जाता था और गहरी नींद में सो जाता था। पर जब आज डेली की तरह वो भी आज फिर रात हुआ, फिर वो सोने गया पर वह सो नहीं पाया। उसने जाकर के दरवाज़ा और खिड़कियाँ, फिर जब वो नहीं सो पाता तो फिर जाता है दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद करता है। डेली तो बंद ही नहीं करता रहता, उसको टेंशन ही नहीं रहता इस बात की। बंद कर ली और अब फिर भी वो सोने, उसको फिर जब वो बंद कर लेता है उसके बाद भी उसको नींद नहीं आती, फिर भी उसके बाद वो नहीं सो पाता है। फिर वो जो पैसा रहता है जो उसके पास, वो उसका डिब्बा लेता है, डिब्बा को देखने लगा और पूरी रात परेशान रहा। जो कैश का बॉक्स रहता है ना, वो उसको देखता है और उसको उसको पूरी रात परेशान रहता है। फिर जैसे ही शाम होता है, दिन ख़त्म होने लगता है, तो रामलाल के पास जो पैसे का डब्बा रहता है वो लेता है और ले करके प्रेम प्रकाश के पास जाता है। प्रेम प्रकाश ने उन्हें दिया रहता है तो प्रेम प्रकाश के पास ले गया और उसने ये कहते हुए बॉक्स दिया कि प्रिय मित्र, मैं गरीब हूँ लेकिन आपके पैसे ने मुझे शांति, मैं गरीब तो हूँ लेकिन आपके जो पैसे थे उसने मेरी शांति छीन ली है, तो प्लीज आप क्या करें कि ये जो प्लीज मेरे साथ रहें, मेरा शांति मतलब मेरे साथ ही रहने दें और ये आप क्या करें, आप ये पैसे वापस ले लें। तो क्या करता है, पैसे उसे वापस दे देता है। उसके पास पैसे तो आ जाते हैं पर क्या होता है, उसकी शांति छीन लेती है। तो इसी वो होता है कि आप ऐसा करें कि आप अपना पैसा वापस ले लें। तो ये आपकी स्टोरी रहती है, स्टोरी फिनिश हो गई। आपकी स्टोरी से क्या हमें सीखने को मिलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपके पास जो है आप उसी में अच्छे से रहने मतलब संतुष्ट रहने की कोशिश करें, आप जो है उसी में खुश रहें। ये आपका इससे हमको ये स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है। तो ये आपकी स्टोरी का रिवीजन हो गया। अब चलिए देखते हैं, शॉर्ट में स्टोरी आपको मैंने बता दिया, अब एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये ओरल क्वेश्चन जिसे मैंने कराया नहीं और ना ही ये हमें करना है और ना हमारे एग्जाम्स और टेस्ट में आएंगे। बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में बताया ये आपको किस स्टेटमेंट दिया रहता है, उस स्टेटमेंट के कुछ ऑप्शन रहेंगे, उन ऑप्शन में से क्या होता है एक ऑप्शन करेक्ट रहता है। आपको जो आप लोग स्टोरी को केयरफुली सुनते हो, वो ध्यान से सुनते हो क्या है स्टोरी, तो आप लोगों को एक्सरसाइज को बहुत ही ज़्यादा लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है, स्टोरी मालूम रहेगा तो अपने एक बार पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट कि रामलाल एंड प्रेम प्रकाश वेयर, जो रामलाल और प्रेम प्रकाश थे वो क्या थे, नेबर्स थे, फ्रेंड्स थे या नन ऑफ दिस थे। क्या रहते हैं दोनों, नेबर्स रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, तो नेबर्स पर टिक कर देंगे। फिर सेकंड है प्रेम प्रकाश वॉज, जो प्रेम प्रकाश रहता है वो क्या रहता है, फॉर्मर रहता है या लैंडलॉर्ड रहता है या टीचर रहता है। प्रेम प्रकाश जो रहता है वो क्या रहता है, लैंडलॉर्ड रहता है, तो हम लैंडलॉर्ड पर टिक कर देंगे। फिर है सर्कल द करेक्ट वर्ड, सर्कल द करेक्ट वर्ड है आपका, क्या करना है इसमें, जो ये वर्ड्स दिए रहेंगे जो उसमें करेक्ट वर्ड होगा, जो उसमें सही वर्ड रहेगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। तो फर्स्ट वाले रो में देखिए आपका मनी, लास्ट वाली जो मनी है वो करेक्ट है, उस पर हम लोग सर्कल कर दिए। फिर हैप्पी, तो देखिए आपको स्पेलिंग लर्न होगी तभी आप सर्कल कर पाओगे। अब मनी दिया है तो मनी की कौन सी स्पेलिंग सही होती है, MONY या MONY या MONEY, तो MONEY होता है मनी, तो करेक्ट उस पर सर्कल कर दिए। फिर हैप्पी दिया है तो हैप्पी की स्पेलिंग होती है HAPPY, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है। नाइट दिया है तो नाइट की स्पेलिंग NIGHT, तो ये तो है नहीं, ये भी हमारा करेक्ट वर्ड नहीं, ये है तो इस पर हम सर्कल कर देंगे। फिर है पुअर, तो ये पुअर में फर्स्ट वाला ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा पुअर की स्पेलिंग होती है, तो इस पर हम लोग सर्कल कर देंगे, हमारा करेक्ट वर्ड है। फिर स्लीप है तो स्लीप की स्पेलिंग SLIP तो होता नहीं, SLEE होता है, ये सेकंड वाला हमारा करेक्ट है, तो हम लोग इसको सर्कल कर देंगे। तो ये आपका हो गया सर्कल द करेक्ट वर्ड। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हम चलिए देखते हैं कि हमारे रामलाल एंड प्रेम प्रकाश वियर डैश, जो रामलाल एंड प्रेम प्रकाश क्या रहते हैं, हमारे नेबर्स रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, नेबर्स NEIGHBOURS। रामलाल यूज टू वेरी डैश एंड डैश, जो रामलाल रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही आराम से और खुशी से रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रामलाल यूज टू वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी,
या फिर रिलैक्स फील करेंगे एंड हैप्पी फील करेंगे. RELAXED रिलैक्सड एंड HAPPY हैप्पी. प्रेम प्रकाश यूज टू वेरी डैश ऑलवेज. जो प्रेम प्रकाश रहता है वो कैसा रहता है, ऑलवेज वो ऑलवेज टेंशन लेता रहता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TENSE टेंस, ऑलवेज टेंस. फिर है फोर्थ, रामलाल वॉज अ डैश हैप्पी. रामलाल क्या हो जाता है, ओवर विंग मैंगली हो जाता है. तो OVERWHELMINGLY फिल कर लिया. फिर नेक्स्ट फिफ्थ है, रामलाल वेंट एंड क्लोज द डोर एंड डैश. जो रामलाल रहता है वो क्लोज्ड डोर एंड और किसको करता है, डोर को क्लोज करता है और किसको क्लोज करता है, विंडोज को क्लोज करता है. तो WINDOWS विंडोज. हू सेड टू हूम, ये मैंने आप लोग को स्टोरी एक्सप्लेन किया ही है, आपको होमवर्क भी दिया था तो आप लोग मालूम हो कि उन्होंने किससे कहा है. चलिए अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मॉरल साइंस की नोटबुक निकालनी होगी. तो ये हम लोगों ने नोटबुक में किया है, एक्सरसाइज हम लोगों ने बुक में फिल किया, तो बुक से रिविजन किया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, नोटबुक. चलिए नोटबुक निकालते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हू वेयर द टू फ्रेंड्स, हू वेयर द टू फ्रेंड्स, वॉट वेयर देयर ऑक्यूपेशंस. हू वेयर द टू फ्रेंड्स वेयर दीज देयर ऑक्यूपेशंस. वो जो टू फ्रेंड्स है, कौन कौन टू फ्रेंड्स रहता है और वो लोग क्या करते रहते हैं. तो जो टू फ्रेंड्स कौन रहता है, रामलाल और प्रेम प्रकाश रहते हैं. और एक जो रामलाल जो होता है वो क्या रहता है, रामलाल जो रहता है पुअर फार्मर रहता है, किसान रहता है, गरीब किसान रहता है. और प्रेम प्रकाश क्या रहते हैं, जमींदार रहते हैं, लैंडलॉर्ड रहते हैं. ये आपका आंसर होगा ना. चलिए आंसर करते हैं, रामलाल एंड प्रेम प्रकाश वेयर द टू फ्रेंड्स. रामलाल वॉज अ पुअर फार्मर एंड प्रेम प्रकाश वॉज अ लैंडलॉर्ड. एंड प्रेम प्रकाश वॉज अ लैंडलॉर्ड. क्वेश्चन नंबर टू, Why could not one of the neighbors able to sleep? जो एक neighbors रहता है वो क्यों नहीं अच्छे से सो पाता है. He was bothered that someone break his safe and steal away his money. वो हमेशा ये सोच इसलिए नहीं सो पाता अच्छे से, कि वो हमेशा ये सोचता रहता है कि कोई आएगा और क्या कहते हैं, मेरे सेफ को तोड़ेगा और पैसे चुरा के लेके चला जाएगा, इसलिए वो सो नहीं पाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इनवाइट रामलाल वाय. प्रेम प्रकाश को इनवाइट करता है. आंसर, प्रेम प्रकाश इनवाइट रामलाल बिकॉज रामलाल वॉज वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी. वो इसलिए उसको बुलाता है, रामलाल को बुलाता है. और क्यों बुलाता है, क्योंकि वो बहुत ही आराम और हैप्पी, आराम से और हैप्पी से रहता है. क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट मेक रामलाल डिस्टर्ब्ड फॉर द होल नाइट. रामलाल को क्या डिस्टर्ब करता है पूरी रात. तो रामलाल को क्या डिस्टर्ब करता है, जो बॉक्स रहता है, जो कैश से भरा हुआ बॉक्स रहता है, वही रामलाल को प्रकाश करता है. तो बॉक्स फुल ऑफ द कैश मेक रामलाल डिस्टर्ब्ड फॉर द होल नाइट. क्वेश्चन नंबर फाइव है, What do you learn from this story? इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है. इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, मीन्स कि मनी ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग. ये आपका रिविजन हो गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का भी. चलिए देख लेते हैं आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी. इस चैप्टर का मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, मीन्स वही है कि मनी हमारे लिए, मनी ही सब कुछ नहीं होता है. तो होप कि आप लोगों को चैप्टर थ्री में अब कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ना स्टोरी में और ना ही एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर में. मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है और आप लोगों को जो भी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी उसको आप लोग कंप्लीट भी कर लीजिएगा. मैं सब कुछ दिखाते हुए गई हूँ, तो जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा कंप्लीट कर लेगा. और होप कि आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होंगे चैप्टर थ्री में, जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो गई होगी. तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कीजिएगा. आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं. तो थैंक यू सो मच.